देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर बरेली से है। जिला बरेली से खास खबर, केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार अध्यादेश के विरोध में किसान आए सड़कों पर। आपको बताते चले, अध्यादेश को किसानों ने बताया काला कानून। जिला बरेली तहसील नवाबगंज कस्बे के बाईपास प्रमुख कॉलोनी पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन ने आज केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार बिल के नाम से जो अध्यादेश लाया गया है, उस अध्यादेश के विरोध में बड़ी संख्या में किसानों ने सरकार के प्रति नाराजगी दिखाते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना था, जिस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने देश को गुलाम बनाकर रख दिया था, उसी तरह यह कानून है। इससे उद्योगपतियों का पूर्ण रूप से किसानों के ऊपर अधिकार होगा और किसान अपनी मर्जी से किसानी नहीं कर पाएगा। कृषि कानून नियंत्रण, मुक्त विपणन भंडार, आयात निर्यात किसान हित में नहीं है। इसका खामियाजा देश के किसानों को विश्व बाजार व्यापार संगठन के रूप में भुगतना पड़ सकता है। देश में 1943-44 में बंगाल के सूखे के समय जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पैर जमाए और उसके बाद देश गुलाम होता चला गया, ठीक उसी तरह किसान भी गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएगा। वह स्वतंत्र रूप से अपनी किसानी नहीं कर पाएगा। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारतीय किसान यूनियन ने अपने प्रदर्शन करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी नवाबगंज को सौंपा। उनका कहना था, प्रधानमंत्री किसानों की समस्याओं को अवश्य संज्ञान में लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष हीरा लाल गंगवार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। इसी के साथ किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान शीघ्र करने की मांग भी रखी। साथ ही किसानों ने आवारा घूम रहे पशुओं को गौशाला में बंद कराए जाने की मांग की है, जिससे पशु और किसान की फसल बची रहे। आप देख रहे हैं बरेली से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी ही विशेष खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जानना चाहेंगे किन किन बिंदुओं पर आज आपने ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया है? हम लोगों ने तो बहुत से ऐसे बिंदु थे, जैसे जो सरकार ने अध्यादेश जारी किया वो किसानों के हित में नहीं है, वो उनके अहित में है। इस बात को लेकर हम लोगों ने धरना दिया था, ब्लाकों पर दिया, तहसीलों पर दिया, जिला पर दिया। और अगर ऐसे काम नहीं चला तो हम तो लंबा आंदोलन भी करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम आंदोलन करेंगे, क्रांति करेंगे, जो भी होगा वो हम लोग करेंगे। आगे पशुओं की बात रही, सरकार बहुत बार कह चुकी है, बहुत से उन्होंने ग्रह भी बनाए, पशु ग्रह बनाए, लेकिन हमें तो नहीं लगता भाई साहब कहीं ये पशु ग्रह हों। मेरी जी, आपने हर बार ज्ञापन दिया है, हर बार में पशुओं को लेकर जिक्र किया है, लेकिन अभी तक आपकी समस्या दूर नहीं हुई, क्या इस पर कहेंगे आप? हमारी कोई समस्या दूर नहीं हुई, पशु बराबर बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। जो भी उन्होंने आश्रय गृह बनाए, मेरी समझ में आता है या तो आसमान पर बनाए हैं या कागजों में बनाए हैं, इस पर धरती पर तो कहीं मुझे मालूम नहीं पड़ते हैं। क्योंकि जब हम आते हैं अपने खेतों में जाते हैं तो 20-20, 50-50 पशु हर खेत में मालूम पड़ते हैं हम लोगों को तो, और हमारे किसानों की तो कोई बात सुनी नहीं जाती है। किसान यहाँ आते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। हमारे भाई साहब हैं, हमारे साथी हैं महेंद्र सिंह जी, उन्होंने अपने नाम संशोधन के लिए लगभग 6 महीने हो गए हैं इसी तहसील में कागज़ दिए थे, लेकिन उनका अभी तक ठिया ठोर नहीं हो पाया कि कागज़ उनके कहाँ हैं कहाँ नहीं। कई बार हम HTM साहब से भी मिले और कई बार हम लोगों ने अपनी शिकायत भी की थी। तो हम तो ये समझते हैं कि किसानों के लिए जो भी ये सुविधाएँ दी जा रही, वो सभी हम समझते हैं कि आसमानों पर दी जा रही हैं, उनके तक नहीं जा रही हैं।